हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सिक्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन इंग्लिश क्लास एंड टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट योर फर्स्ट चैप्टर। इट्स चैप्टर्स नेम इज रिलेशनशिप्स। लेट अस कम टू नो अबाउट दिस चैप्टर। लिटिल चिल्ड्रेन वाइजर देन मैन। छोटे बच्चे बड़ों से ज़्यादा बुद्धिमान हो सकते हैं। इट वॉज ईस्टर इन रसिया। रसिया मीन्स रूस, तो रूस में ईस्टर मनाया जा रहा था। ईस्टर इज ए फेस्टिवल ऑफ क्रिश्चियन। इट वॉज बींग सेलिब्रेटेड इन रसिया। स्नो स्टील ले इन द कोर्ट यार्ड्स, और वहाँ बर्फबारी हुई थी, बर्फ गिरे थे। तो स्नो स्टील ले इन कोर्ट यार्ड्स, घरों के आंगन में बर्फ एकत्रित हो गए थे। और वाटर रैन इन ए स्मॉल स्ट्रीम्स टाउन द विलेज स्ट्रीट, और पानी छोटी नालियों से बहकर गांव के गलियों में आ गया था। एंड द डर्टी वाटर हॉर्न बे लार्ज पुडल। अब ऐसा गंदा पानी गड्ढे में इकट्ठा हो गया था इन ए लाइन बिटवीन टू फार्म हाउसेज। कहीं एक जगह था जिसमें दो फार्म हाउस बने हुए थे, दोनों में कुछ लोग निवास करते थे। तो दोनों फार्म हाउस के बीच में जो जगह थी, दोनों घरों से, दोनों फार्म हाउस से बहकर निकलने वाली पानी से छोटे छोटे गड्ढे बन गए थे। टू लिटिल फ्रेंड्स फ्रॉम नेबरिंग हाउसेज। इस फार्म हाउस से दो लड़कियां, अकुल्या एंड मलासा, एक का नाम अकुल्या है और एक का नाम मलासा है, मेट आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम द चर्च। चर्च से लौटते वक्त ये लोग आपस में मिलते हैं, और अकुल्या नोटिस करती है मलासा को कि हेलो मलासा, सुनो मलासा, लुक एट माई न्यू रेड एंड येलो ड्रेस। मेरा यह नया पोशाक, लाल और पीला वाला यह नया पोशाक देखो, इट इज़ ब्यूटीफुल। अकुल्या, यह तो काफ़ी सुंदर है अकुल्या। आई एम ऑल्सो वियरिंग ए न्यू पर्पल फ्रॉक टूडे। देखो, मैं भी एक बैंगनी कलर का नया फ्रॉक आज पहन रखी हूँ। मलासा बिगन टू स्प्लैश अबाउट इन दी वाटर। और ऐसा बोलने के उपरांत मलासा जो है पानी में छप से की छप छपाक से उतर गई। अकुल्या स्टॉप्ड मलासा, और अकुल्या ने मलासा को रोकी एंड आस्क्ड हर टू टेक ऑफ हर शूज, और मलासा से आग्रह की कि वह अपने जूते उतार दे। एंड स्टॉकिंग्स बिफोर स्टेपिंग इन टू द पुडल, और उस गड्ढे में उतरने से पहले धीरे से उतरे। मतलब अचानक से अगर कहीं हम लोग कूदते हैं तो उसमें एकत्रित हुआ पानी का छींटा बहुत दूर तक उड़ता है। इसीलिए मलासा जो है अकुल्या को मना कर रही है, बोल रही है कि सबसे पहले अपनी जूती उतार दो, और जब भी गड्ढे के पानी में पैर रखने की ज़रूरत हो तो धीरे से रखो, जिससे कि छींटे बाहर ना निकलें।
थैंक यू फॉर टुडे।